एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, बिग बॉस सीजन 16 के घर के अंदर वीकेंड के वार के दौरान आए घर में कई सारे गेस्ट, उन्हीं में से एक थे बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल। विक्की कौशल जो न सिर्फ बॉलीवुड के बड़े एक्टर हैं, बल्कि अब तो कैटरीना कैफ के हस्बैंड भी हैं। और ऐसे में विक्की ने आकर क्यों दिया कैटरीना का बड़ा मैसेज प्रियंका को, क्या है पूरी खबर, चलिए हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में टेली टॉकीज की। लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। बिग बॉस सीजन 16 के घर के अंदर सलमान खान आए और उन्होंने वीकेंड के वार को शूट करा। लेकिन इसी दौरान दोस्तों बड़ी बात हुई। इसी दौरान आए विक्की कौशल। वो आए तो थे अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर विक्की कौशल की बात जब घर वालों से हुई तो विक्की कौशल अपने आप को नहीं रोक पाई प्रियंका को देखकर। जी हाँ, विक्की कौशल कियारा आडवाणी के साथ घर के अंदर गए। दोनों ने काफी देर तक शूट करा और ऐसे में टास्क के बीच में जब सेटअप लग रहा था तो घर से बड़ी खबर निकल कर आई। विक्की ने प्रियंका से कहा, प्रियंका यू आर डूइंग वेरी गुड इन दी शो। प्रियंका ने विक्की को थैंक यू बोला, लेकिन उसके बाद विक्की ने बोला कि प्रियंका इस शो में कैटरीना पहले भी आई थी और वो इस शो को शुरू से फॉलो करती हैं। उन्होंने मुझसे तुम्हारी इतनी तारीफ की हुई है क्योंकि जब वो आई थी तो वो तुमसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस होकर गई थी। कैटरीना ने आकर मुझे बोला था कि तुम जो कुछ भी होता है सामने बोल देती हो, तुम नो फिल्टर हो। और एक्चुअली आज जब टास्क हुआ तो मुझे तुम सच में नो फिल्टर ही लगी। यू आर डूइंग वेरी गुड इन दी शो। जैसी हो वैसी ही रहना, बदलने की कोशिश मत करो। यहाँ पर कहीं ना कहीं विक्की ने प्रियंका को हिंट दे दिया है कि सलमान की डांट की वजह से जिस तरह से प्रियंका बैकफुट पर आ गई है वो बात उसके गेम को खराब कर रही है और अब प्रियंका को बिल्कुल भी वैसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि इस वीकेंड के वार के बाद हम लोगों को वही पुरानी स्ट्रांग प्रियंका नजर आए जो हर बात पर भिड़ जाती थी। क्या कहेंगे आप, हमें कमेंट्स में आप जरूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।